मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, या तो बोलने तो दीजिए, हमें मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार बार माइक बंद कर देते हैं आसन पाओ आप राज्य। माननीय सदस्यों, विपक्षी नेता ने जो मुद्दा उठाया, हमारे संसदीय मंत्री ने भी कुछ रखा, दोनों को सुनने के बाद ये व्यवस्था है, हमेशा प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष तथा 2024 के प्रथम सत्र में संबोधन हो गया। 2024 का यह द्वितीय सत्र है, इसीलिए राज्यपाल के अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए। अध्यक्ष जी, व्यवस्था हो गई, हम आपकी बात मान लेंगे, व्यवस्था हो गई। मैं अध्यक्ष जी, अरे भाई रुको यार, अब बधाई, एक मिनट, हम आपकी बात मान लेंगे, एक मिनट, आप तो ये बता दीजिए इस नए साल का पहला सत्र कब आपने बुलाया है? नए साल का नहीं होता है। आप प्रथम सत्र बता दीजिए, प्रथम सत्र आपने कब बुलाया है ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। सत्र दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में समाप्त हुआ। का नए साल में क्या नहीं होता है? दिसंबर का कैसे नए साल गिरा जाएगा? अध्यक्ष जी, ये भी जो वर्ड है नॉट और, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, ये कंटिन्यू सेशन है भैया, एक बार हो गया है, दोबारा नहीं होगा। अध्यक्ष जी व्यवस्था, अध्यक्ष जी बात सुनिए, बात सुनिए, बैठिए, व्यवस्था के बाद, माननीय व्यवस्था के बाद चर्चा नहीं होती है। आगे बढ़िए, बधाई संदेश सुनिए, आज चर्चा नहीं, दोनों का आ गया रिकॉर्ड में, वो उसका आप व्यवस्था हो गई, आप कुछ नहीं, बधाई संदेश। देखिए राजस्थान विधानसभा के व्यवस्था हो गई, आप देखिए करिए, अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद ये आपका संसद अपमान है, अब अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, इससे आप अखबार में छप जाओगे, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। श्री जय किशन जी पटेल, श्री जय किशन जी पटेल, गुरु गोविंद को नमन, मामा बालेश्वर दयाल को नमन और मानगढ़ के शहीदों को नमन। मैं जय कृष्ण जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, प्रकृति पूर्वज की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा, जिस पद को मैं धारण ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जोहार सलाम, आप सबकी जय, जय लोकतंत्र। सीटों में जाइए, अपने सीटों में बैठिए, अपने सीटों में बैठिए, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। हो गया, अरे हो गया, अपने को मर्यादाओं का पालन करना है। मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूँ, अपने सीटों में जाके बैठ जाइए, अपने सीटों में बैठ जाइए, लास्ट करो, अपने सीटों में बैठ जाइए।
बधाई संदेश। राजस्थान विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे श्री ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष गरिमामय पद पर लगातार दूसरी बार आसीन होने पर यह सदन गौरव एवं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है एवं इससे राजस्थान प्रदेशवासियों का मान और गौरव बढ़ा है। श्री बिरला का राजस्थान विधानसभा और लोकसभा के 2 दशकों से अधिक संसदीय अनुभव रहा है। श्री बिरला की कड़ी मेहनत, उत्साह और सकारात्मक सोच के चलते आप लोकसभा के अध्यक्ष पर आसीन हुए हैं। सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन स्वागत योग्य कदम है। 17वीं लोकसभा के सदन संचालन में आपने बेहतर भूमिका निभाई थी। इस बार भी आपके नेतृत्व में सदन के संचालन कुशलतापूर्वक चलेगा ऐसा विश्वास है। आपके लोकसभा अध्यक्ष पर पुनः आसीन होने पर मैं राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब बैठ जाइए। मैं एक बार पुनः अपील कर रहा हूं, अपने अपने सीटों पर लौट जाइए। उसका शोकाभिव्यक्ति है, अपनी सीटों पर चले जाइए। आप अपनी सीटों में जाइए। आप सभी सदस्यों के लिए समय, लोग जो देहावसान हुए हैं उनकी शोकाभिव्यक्ति होगी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप शोकाभिव्यक्ति के बाद, अरे कल भी अवसर मिलेगा, परसों भी मिलेगा, अभी महीने भर अपन साथ हैं। कृपया अपनी सीटों में चले जाइए, अभी अवसर कई, एक महीने तक अपन साथ हैं। तो शांति। एक आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के संकल्प का जो उद्देश्य है, प्लास्टिक बैग के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आ गया, ये भी आपको प्लास्टिक का दिवस है। संविधान को बचाओ और प्लास्टिक जहां बन रहा है उन पर रोक लगाओ ना। ये प्लास्टिक बन का रहा है। दे दी संविधान की व्यवस्था दे दी मैंने। व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 3, पुनः प्रयोजन बैग, कपड़े के बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग जैसे संधारणीय विकल्पों का बढ़ावा देना। दुनिया भर में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध और प्रतिबंधों का समर्थन करना। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और उचित निपटाने को प्रोत्साहित करना। वन्य जीवों, महासागरों और पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना। व्यक्तियों को संधारणीय विकल्प चुनने और पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त दुनिया में परिवर्तन का समर्थन करना। मेरा आपसे आग्रह है, 1 मिनट जो संकल्प लेना है, हम सब प्लास्टिक के इसमें सबका कॉमन है, हम लेंगे आज। अब अध्यक्ष जी हो गया, 1 मिनट इनकी व्यवस्था देखिए। संविधान की बात थी, चर्चा नहीं। आपने शोकाभिव्यक्ति का कहा, हम बैठ गए। आप शोकाभिव्यक्ति में बीच में प्लास्टिक कहाँ से घुसा दिया आपने? आपने प्लास्टिक कहाँ से ले आए? आज खड़े होकर अपन संकल्प लेंगे। आपसे निवेदन है, आप तो ये सरकार को, एक मत हो जाओ, सरकार को शपथ दिला दो प्लास्टिक बनने नहीं देंगे। अरे आप तो बनेगा नहीं, तो अपने आप यूज नहीं होगा। ये खुद को बनवाते हैं, खुद को बनवाते हैं, अपन से शपथ दिला। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प, संविधान बचा हुआ है, आप चिंता मत करो, संविधान बचा हुआ है। अरे संविधान बचा हुआ है, एक सब बोलेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय। अरे मान्य मंत्री जी, ओ मान्य मंत्री जी, अरे आप मुझे जवाब दीजिए। अरे आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर, यह सदन संकल्प लेता है कि प्लास्टिक बैग के स्थान पर इसके पर्यावरण अनुकूल विकल्पों कपड़े के बैग का उपयोग करेंगे, एवं आमजन को इस संबंध में जागरूक करेंगे। शोकाभिव्यक्ति, अरे शोकाभिव्यक्ति है मान्य।
हो गया भाई। सदन की सदस्यों से त्याग पत्र की सूचना मुझे माननीय सदस्यों को मुझे अरे 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 अरे, अरे हो गया मुझे सदस्य सदन की सदस्य से त्याग पत्र देने की सूचना मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र बागी आ बैठे बागी दोरा जिला बांसवाड़ा से निर्वाचित सदस्य श्री महेंद्र सिंह मालवीय ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी 2024 को निर्वाचन क्षेत्र माननीय सदस्य अपील करता हूँ ब्राजे सदन की कार्यवाही और गरिमा का ध्यान रखिए। महेंद्र सिंह मालवीय ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी 2024 को निर्वाचन क्षेत्र 84 जिला डूंगरपुर से निर्वाचित सदस्य श्री राजकुमार रोध ने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 14 जून 24 को एवं निर्वाचन क्षेत्र दौसा जिला दौसा से निर्वाचित सदस्य श्री मुरारी लाल मीणा निर्वाचन क्षेत्र देवली उनियारा जिला टोंक से निर्वाचित सदस्य हरिचंद मीणा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू जिला झुंझुनू से निर्वाचित सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला तथा निर्वाचन क्षेत्र खींवसर जिला नागौर से निर्वाचित सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 18 जून 24 को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के पेपर बैच के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा की त्याग पत्र सदस्य से त्याग पत्र दे दिया है। इनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। सदन की मेज पर रखे जाने पत्र आदि माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके अनुमति से अपील करता हूँ 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र में पारित सब लोग देख रहे हैं राजस्थान की जनता उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर वन राजस्थान विनियोग संख्या एक विधेयक 2024 राजस्थान विनियोग लेखानदान संख्या दो विधेयक 2024 राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं पर विचार। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। शोकाभिव्यक्ति माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी इस विधानसभा के पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन पूर्व राज्य मंत्री श्री राधेश्याम गंगानगर श्री चंद्रशेखर एवं श्री उमेश सिंह और इस सदन के पूर्व सदस्य श्री विवेक धाकड़ श्री प्रभुलाल करसोलिया श्री कृष्ण गोपाल कोकटा श्री मोटाराम श्री रतिराम यादव तथा श्री हुकम सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला गुजरात त्रिपुरा एवं मिजोरम की पूर्व राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी 1927 को झुंझुनू जिले के गौरीर ग्राम में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती कमला बेनीवाल पहली तीसरी पांचवीं सातवीं आठवीं दसवीं एवं 11वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की विधायक रहीं। आप पहली विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में आमेर ए निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। आप पांचवी विधानसभा में दूदू निर्वाचन क्षेत्र से तथा शेष में बैराज निर्वाचन क्षेत्र से
विधायक रही। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति का पुस्तकालय समिति नियम समिति तथा कार्य सलाहकार समिति की सदस्य रही। आप संसदीय परामर्शदाती समिति की सभापति भी रही। कुशल प्रशासक रही। श्रीमती बेनीवाल राज्य सरकार में पहली एवं तीसरी विधानसभा के कार्यकाल में उपमंत्री, पांचवी विधानसभा के कार्यकाल में राज्य मंत्री तथा सातवीं व आठवीं विधानसभा में कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रही। आपको राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहली महिला सदस्य होने का भी गौरव प्राप्त है। आप 11वीं विधानसभा के कार्यकाल में राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी रही। मंत्री के रूप में आपने गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ साथ अनेक विभागों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। अनुभवी संसदविद एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती बेनीवाल अक्टूबर 2009 से नवंबर 2009 तक त्रिपुरा एवं नवंबर 2009 से जुलाई 2014 तक गुजरात तथा जुलाई 2014 से अगस्त 2014 तक मिजोरम राज्य की राज्यपाल के पद पर भी आसीन रही। श्रीमती बेनीवाल अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक समितियों एवं संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रही। आप राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य सहकारी संघ तथा राष्ट्रीय सहकारिता महिला समिति की अध्यक्ष भी रही। कांग्रेस से संबंध रही श्रीमती बेनीवाल ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलतापूर्वक वहन किया। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। बाल स्वतंत्रता सेनानी रही श्रीमती बेनीवाल ने प्रजामंडल के जलूसों में सक्रियता से भाग लिया। राजनीति में महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रही श्रीमती बेनीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अनेक महिला सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती कमला बेनीवाल का दिनांक 15 मई 2024 को निधन हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी ग्राम में हुआ। आपने एमए, एलएलबी तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। श्री मनोहर जोशी वर्ष 1972 से 1999 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आप 4 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आपने 2 बार नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया। राजनीतिक कौशल एवं प्रशासनिक क्षमता के धनी श्री जोशी मार्च 1995 से जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री जोशी 13वीं लोकसभा के लिए महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए तथा केंद्रीय सरकार में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री भी रहे। आप 10 मई 2002 को लोकसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। आपने संसदीय मर्यादाओं एवं अनुशासन को अक्षुण बनाए रखने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए तथा संसदीय सुधारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में बम्बई महानगर पालिका के सदस्य तथा मेयर भी रहे। श्री जोशी मराठी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के प्रचारक रहे। आप अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से संबंध रहे। आपकी स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई एवं स्पीकर डायरी सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री मनोहर जोशी का दिनांक 23 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन का जन्म 1 जनवरी 1947 को टोंक जिले के निवाई कस्बे में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। श्री महावीर प्रसाद जैन 7वीं, 9वीं, 10वीं एवं 12वीं राजस्थान विधानसभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति ख, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, कार्य सलाहकार समिति तथा संसदीय परामर्शदाती समिति के सदस्य रहे। आप गृह समिति के सभापति भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री जैन दिसंबर 1993 से नवंबर 1998 तक तथा जून 2004 से दिसंबर 2008 तक राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका टोंक के उपाध्यक्ष भी रहे। श्री जैन कृषि उपज मंडी समिति के सदस्य तथा टोंक औद्योगिक संस्थान संघ तथा खुदरा विक्रेता संघ निवाई के अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे श्री जैन। पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े श्री जैन ने विभिन्न जन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपातकाल के दौरान आपने जेल यात्रा भी की। श्री महावीर प्रसाद का
दिनांक 24 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक श्री राधेश्याम गंगानगर का जन्म 1 जनवरी 1939 को पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के हासलपुर ग्राम में हुआ। आपने गंगानगर से माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। श्री राधेश्याम 7वीं 10वीं 11वीं और 13वीं राजस्थान विधानसभा में गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप 7वीं विधानसभा में कांग्रेस आई, 10वीं एवं 11वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 13वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति क एवं ख, नियम समिति, राजकीय उपक्रम समिति, गृह समिति एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य भी रहे। आप मई 2002 से दिसंबर 2003 तक राज्य सरकार में आयुर्वेद, संस्कृत शिक्षा, सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री भी रहे। नगर परिषद गंगानगर के उपाध्यक्ष रहे श्री राधेश्याम। जिला पंचायत परिषद श्री गंगानगर, पंचायती राज संस्थान, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद गंगानगर के अध्यक्ष भी रहे। आप विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले राधेश्याम राजस्थान पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से संबंध रहे। आप श्री गंगानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे। श्री राधेश्याम गंगानगर का दिनांक 16 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर का जन्म 17 मई 1946 को अलवर जिले के खदाना ग्राम में हुआ। आपने बीए एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री चंद्रशेखर 8वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में खैरथल निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति क के सदस्य रहे। श्री चंद्रशेखर दिसंबर 1998 से नवंबर 2003 तक राज्य सरकार में गृह रक्षा, जेल, राजस्व, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण विभाग सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास कई विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु समर्पित श्री चंद्रशेखर ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, बालिका शिक्षा के प्रसार में भी सक्रिय योगदान दिया। आप कई सामाजिक संगठनों से संबंध रहे तथा उनके शीर्ष पदों पर कार्य किया। श्री चंद्रशेखर का दिनांक 22 जून 2024 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री उमेश सिंह का जन्म 1 जुलाई 1948 को नागौर जिले के खोजास ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल डीडवाना से अपनी शिक्षा प्राप्त की। श्री उमेश सिंह 7वीं तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा के डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप 7वीं विधानसभा में जनता पार्टी तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति क एवं ख तथा संसदीय परामर्शदाती समितियों से सदस्य रहे। श्री उमेश सिंह नवंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक दुग्ध विकास विभाग एवं तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे। इस दौरान आप सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री रहे। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक सामाजिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे। श्री उमेश सिंह का दिनांक 12 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री विवेक धाकड़ का जन्म 18 जनवरी 1977 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने बीए, एलएलबी तथा एमबीए की उपाधियां प्राप्त की। श्री विवेक धाकड़ 14वीं विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पर्यावरण समिति के सदस्य रहे। श्री धाकड़ अपने सार्वजनिक जीवन में 10 वर्षों तक पंचायत समिति मांडलगढ़ के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री धाकड़ समाज की विभिन्न संस्थाओं से संबंध रहे। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। श्री विवेक धाकड़ का दिनांक 4 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री प्रभुलाल करसोलिया का जन्म 14 जनवरी 1942 को बूंदी जिले के करवर ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रभुलाल करसोलिया 8वीं एवं 11वीं राजस्थान विधानसभा में नैनवा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री करसोलिया अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत करवर के 2 बार सरपंच तथा जिला परिषद बूंदी के सदस्य रहे। आप सहकारी समिति करवर के अध्यक्ष भी रहे।
समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री करसोलिया ने अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी की। आप धाकड़ समाज के अध्यक्ष भी रहे। श्री करसोलिया ने अपने क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। श्री प्रभुलाल करसोलिया का दिनांक 25 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री किशन गोपाल कोकटा का जन्म 6 नवंबर 1948 को अजमेर के विजयनगर में हुआ। आपने राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय ब्यावर से बीकॉम की उपाधि प्राप्त की। श्री किशन गोपाल कोकटा 9वीं एवं 10वीं राजस्थान विधानसभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राकलन समिति ख, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान आवासन मंडल के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित समिति के सदस्य भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 25 वर्ष तक नगर कार्यवाह रहे श्री कोकटा ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री कृष्ण गोपाल कोकटा का दिनांक 24 नवंबर 2023 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मोटाराम का जन्म 2 सितंबर 1956 को बाड़मेर के सिवाना कस्बे में हुआ। आपने 9वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री मोटाराम 8वीं राजस्थान विधानसभा के सिवाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। श्री मोटाराम का दिनांक 1 जून 2024 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री रतिराम यादव का जन्म 9 जुलाई 1928 को अलवर जिले के भोजावास ग्राम में हुआ। आपने बीए की उपाधियां प्राप्त की। श्री रतिराम यादव 5वीं राजस्थान विधानसभा के तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा प्राकलन समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री यादव ने शैक्षणिक जागरूकता के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। आपने साप्ताहिक पत्र जनवाद का संपादन एवं प्रकाशन भी किया। श्री यादव अलवर जिले सहकारी संस्थान लिमिटेड के मंत्री भी रहे। श्री रतिराम यादव का दिनांक 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हुकम सिंह का जन्म 14 फरवरी 1927 को जैसलमेर में हुआ। आपने मेयो कॉलेज अजमेर से बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री हुकम सिंह 2री तथा 3री राजस्थान विधानसभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। दूसरी विधानसभा में आप निर्दलीय तथा तीसरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा प्राकलन समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप जैसलमेर जिला परिषद के जिला प्रमुख रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री सिंह सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री हुकम सिंह का दिनांक 17 मार्च 2024 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोड़ सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस हृदय विदारक घटना में लगभग 121 जनों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। यह सदन इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति भी शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान के लिए प्रार्थना करें। सदन की कार्रवाई कल प्रातः 11 बजे तक
स्थगित की जाती है।